नदी किनारे रहने वाले धनंजय सिंह कैसे बाहुबली बन गए? आखिर क्यों अपनी यामाहा बाइक के लिए धनंजय सिंह पुलिस से भिड़ने को तैयार हो गए? जब धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते थे तो क्यों सड़कें जाम हो जाया करती थी? और आखिर वो कौन सा जुलूस था जिसके बाद धनंजय सिंह कोई चुनाव नहीं जीते? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। एक पुराने मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की जेल हुई है और 5 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह को बहुत बड़ा झटका लग गया है। आज आपसे धनंजय सिंह की जिंदगी से जुड़े सच्चे और हैरान करने वाले किस्सों पर बात करेंगे। दोस्तों, जौनपुर की राजनीति पिछले 2 दशक से जिसके इर्द गिर्द घूमती है वो नाम है धनंजय सिंह। राजनीति के नौसिखियों के लिए नामुमकिन कही जाने वाली रारी सीट से धनंजय सिंह पहली बार ही विधायक बन गए थे और दोबारा लड़े तो सपा के लाल बहादुर यादव को हरा दिया। 2009 में बीएसपी से जौनपुर के सांसद बने तो पिता को अपनी सीट पर उपचुनाव जिता दिया। दोस्तों, जौनपुर में धनंजय सिंह का गांव है बनसफा। खपरेल की कच्ची बकरी में धनंजय सिंह का परिवार रहता था। धनंजय सिंह 3 भाई हैं, सबसे बड़े जितेंद्र सिंह, उसके बाद धनंजय सिंह और फिर अभ्युदय सिंह। 1995 से ही धनंजय सिंह का नाम आपराधिक गतिविधियों में आने लगा था। पुलिस की टीमें घेराबंदी करती, गुप्तचर धनंजय के घर में होने की जानकारी देते, लेकिन जैसे ही पुलिस आती धनंजय कहाँ चले जाते किसी को भनक ही नहीं लगती थी। इस दौरान पूरे गाँव की तलाशी ली जाती लेकिन धनंजय कहीं नहीं मिलते। कहा जाता है कि धनंजय सिंह उस समय बनसफा और गाय घाट पर चलने वाली नावों के बीच रहने के लिए चले जाते थे। नावों पर लगे बांस के पटरों पर सवार होकर लोग आया जाया करते थे और वे उन्हीं पटरों के नीचे की जगह पर सोए रहते थे। गांव के उन मल्लाहों का धनंजय सिंह से ऐसा रिश्ता रहा है कि आज भी उनके चुनाव लड़ने पर मल्लाह या फिर निषाद वोटर धनंजय को एक मुश्त होकर वोट करते हैं। शुरुआती दिनों में धनंजय सिंह को 2 चीज़ों से बेहद प्यार था, पहला क्रिकेट और दूसरा उनकी पसंदीदा बाइक यामाहा। जैसे ही अपराध में नाम आया तो सबसे पहले तो उनका साथ क्रिकेट से छूट गया, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान उन्हें तब हुआ जब उनके अंडरग्राउंड होने के दौरान उनके घर की कुर्की हुई। 1995 से 96 के आसपास की बात है। इस कुर्की में धनंजय सिंह के घर से उनकी बाइक यामाहा भी पुलिस लेकर चली गई थी। उस वक्त धनंजय सिंह गांव के दूसरे छोर पर थे और धनंजय सिंह ने बाइक के लिए पुलिस का आमना सामना करने का मन बना लिया था, लेकिन धनंजय सिंह के लोगों ने उन्हें रोक लिया और छिपे रहने के लिए कहा। धनंजय सिंह की बाइक उनसे दूर चली गई। दोस्तों, जब आप धनंजय सिंह के काफिले को देखेंगे तो उसमें 9777 यानी 9777 ये नंबर दिखता है। इसके पीछे की वजह है न्यूमरोलॉजी। कहा जाता है कि धनंजय के सारे फैसले लखनऊ के एक बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट लिया करते थे। वो उन एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही सारे फैसले लेते थे। धनंजय के 9777 नंबर की गाड़ियों के इस्तेमाल करने के पीछे का लॉजिक कुंडली में खराब चल रहे गुरु और मंगल को दुरुस्त रखना है। दरअसल धनंजय के बारे में कहा जाता है कि उनका गुरु और मंगल कमजोर था। बताया जाता है कि जिसका गुरु कमजोर होता है उसका भाग्य काम में साथ नहीं देता है, जबकि मंगल में दोष होने पर कोर्ट कचहरी के मामले में व्यक्ति फंस सकता है। अब इन्हीं दोषों को देखते हुए धनंजय सिंह को 9777 नंबर शुभ बताया गया था। धनंजय सिंह से जुड़ा एक और किस्सा जौनपुर में बड़ा मशहूर है। कहा जाता है कि उनके साथ गनर बनकर चलने वाली बड़ी संख्या में लोग सरकारी शिक्षक हैं, जो धनंजय सिंह की कृपा से ही मास्टर साहब बने थे। साल 1997-98 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म निकाला गया था। उस दौरान धनंजय सिंह जेल में बंद थे। उन्होंने बड़ी संख्या में अपने करीबी युवाओं को फॉर्म अप्लाई करने के लिए कह दिया। उनके कहने पर युवाओं ने फॉर्म भर दिया। किस्सों की माने तो धनंजय सिंह ने तत्कालीन कुलपति को करीब 300 से अधिक छात्रों की एक लिस्ट भेजी और कहा कि सभी लोग सिलेक्ट होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि धनंजय सिंह ने जो लिस्ट भेजी उसमें शामिल नाम बीएड परीक्षा में सारे के सारे सिलेक्ट हो गए और सभी बीएड किए और 1999 की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में करीब सभी लोग टीचर बन गए। धनंजय सिंह जब 2002 में रारी विधानसभा से चुनाव लड़ने आए तो उनके साथ यही शिक्षक खड़े हो गए और आज भी कई लोग इनके साथ ही चलते हैं। 2002 और 2007 में लगातार रारी से जीत के बाद
2009 में धनंजय सिंह सांसद बन गए थे। रारी सीट का नाम बदलकर मल्हनी हो चुका था। धनंजय के सांसद बनने के बाद बसपा ने उनके पिता राजदेव सिंह को इस सीट से टिकट दे दिया। धनंजय लोकप्रिय थे, ऐसे में उन्हें राजपूत के साथ ही ब्राह्मण वोट एकमुश्त मिलते थे। इसके साथ ही अदर ओबीसी में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी। धनंजय के विपक्षी खेमे ने इस उपचुनाव में एक दांव चला। सपा के टिकट पर बदलापुर के पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे को मैदान में उतार दिया। ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे के नाम पर कम ही सही पर ब्राह्मण वोट बाबा के साथ हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो ब्राह्मण यादव गठजोड़ बनने लगा है। इस बात का धनंजय सिंह को जरा सा भी गम नहीं था, क्योंकि उन्हें बात पता थी कि चुनाव में उनके पिता की जीत बहुत बड़े अंतर से होगी। लेकिन उनके कई समर्थकों को इसका मलाल जरूर था। चुनाव परिणाम आया तो करीब 17,000 वोटों से धनंजय सिंह के पिता जीत गए। काउंटिंग के बाद जौनपुर शहर से बक्सा के रास्ते विजय जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में हजारों बाइक सवार युवा थे, जो ब्राह्मण और यादव गठजोड़ के विरोध में नारे लगा रहे थे। ये समर्थक नारे में कुछ ऐसे भी शब्द कह गए जो लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। इन्हीं समर्थकों के नारों ने धनंजय सिंह की राजनीति में दीमक का काम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से बड़ी संख्या में यादवों और कई राजनीतिक ब्राह्मणों ने भी ये ठान लिया था कि अब किसी भी चुनाव में धनंजय सिंह के खिलाफ ही रहना है। उस चुनाव के बाद 2012 विधानसभा चुनाव में उनकी दूसरी पत्नी जागृति सिंह, 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा, उसके बाद 2020 विधानसभा उपचुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह को लगातार हार मिलने लगी। एक बार फिर धनंजय सिंह 2024 लोकसभा की तैयारी में जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है।